वेलकम फ्रेंड्स, अंजलि किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना के लाई हूँ मैंगो केक। देखिए मैंने कितनी अच्छी मैंगो केक बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, आप इतनी सॉफ्ट केक घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंगो का सीजन है तो बनाना काफ़ी आसान है और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसों में बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस केक रिंग में ऑयल लगाएंगे ताकि हम जब केक को डिमोल्ट करें ना, वह तो आसानी से डिमोल्ट हो जाए। स्टील में हम लगाएंगे बटर पेपर। केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो मैंगो लिए हैं, ये पके मैंगो हैं। इन सबको सबसे पहले हम छीलेंगे। अब इसके हम पल्प निकालेंगे। मैंने आम के पल्प को निकाल लिया है, अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है, इस जार में हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, 1/2 कप चीनी डालेंगे, 1/2 कप पल्प डाल देंगे। के ढक्कन को हम लगा देंगे और 30 सेकंड के लिए इसे ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, मैंने इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल भी इसमें आम के टुकड़े नहीं है। इसी तरह का हमें इसे पेस्ट बनाना था। तो अब हम केक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इस बाउल में हम इस मिक्सर को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है, इसमें हम डाल देंगे। डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। इसे हम स्टेन कर लेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। डालेंगे 1/2 कप दूध, दूध हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर सिरका, अब इसे भी हम मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे केक का मिक्सर। टिन में केक मिक्सर को डाल दिया है, अब इसे हम 2 बार टैप करेंगे। मैंने 2 बार टैप कर दिया है, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, अल्मोनियम की होनी चाहिए, स्टील की नहीं लेनी हमें। और यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टैंड भी रख दिया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम रख देंगे इस केक के टिन को, रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद केक को हम चेक करेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं, हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जब हमने इसमें पिक को डाला तो बिल्कुल भी इसमें केक नहीं लगा, इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो देखिए हमारा केक ठंडा हो चुका है, मैंने इसे गैस से उतार लिया था, उसके बाद मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। हमारा केक इतना अच्छे से डिमोल्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी टिन में, केक के टिन में ये लगा नहीं है, इसका मतलब काफ़ी परफेक्ट बना है। अब इसके बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। केक इतना परफेक्ट बन चुका है, कितना स्पंजी है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगा, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसे अब हम सीधा कर लेंगे। अब इसे हम काटेंगे। हमारा केक कितना यम्मी, कितना डिलीशियस बना है ना, बहुत ही स्पंजी, आप देख सकते हो। देखिए कितना ज़्यादा फूला है यह, तो काफ़ी सॉफ्ट भी बना है। तो अगर आपको मेरा ये केक वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।